आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गुजरात पुलिस द्वारा जो हथकंडा मुसलमानों के लिए अपनाया गया उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और हर कोई ये सवाल कर रहा था कि आखिरकार मुसलमानों के लिए ये किस तरीके के कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेकर के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कि गुजरात से तस्वीर लोगों के सामने आई तो गुजरात सरकार और पुलिस दोनों रडार पर आ गई, और हर कोई ये सवाल भी करने लगा कि आखिरकार गुजरात में चुनाव है, पोलराइजेशन करना है, तो जो बलात्कारी है उन्हें जेल से रिहा करवा दो, और जो लोग मुजरिम हैं या नहीं है उन्हें कानून तय करना है, संविधान के हिसाब से सजा दी जाएगी। पर ये कानून के रखवालों को किसने अधिकार दिया कि पोल से उन्हें सरे बाजार बांधो और दूसरे समुदाय के सामने उन्हें मारो ताकि वोट पोलराइजेशन कराया जा सके। अब ये गुजरात पुलिस को करना महंगा पड़ चुका है, और गुजरात सरकार और पुलिस दोनों को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आ रही हैं मुसलमानों को पीटे जाने को लेकर, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात में एक स्वयंसेवी संगठन ने खेड़ा जिले में एक गरबा नृत्य कार्यक्रम के दौरान पथराव के आरोपी मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारने के बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कानूनी नोटिस जारी किया गया है। अल्पसंख्यक समन्वय समिति के संयोजक मुजाहिद नफीस ने मंगलवार को खेड़ा के उंधेला गांव में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा आरोपियों को सार्वजनिक रूप से पीटने के बाद अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया गया है। गुरुवार को कानूनी नोटिस के माध्यम से एमसीसी ने राज्य सरकार से गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित और उपयुक्त विभागीय अनुशासनात्मक, दंडात्मक और आपराधिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पीड़ितों के सभी अधिकारों का उल्लंघन किया है। नफीस ने कहा कि यदि कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाती है तो उन्हें दोषी पुलिस अधिकारियों और प्रतिवादियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य किया जाएगा। जिन्हें कोड़े मारे गए वे मुस्लिम समुदाय से हैं। पुलिस कर्मियों के इशारे पर अत्याचार की व्यापक रूप से रिपोर्ट किए जाने के बावजूद कोड़े लगाने वालों के सभी अधिकारियों के पूर्ण उल्लंघन में आज तक कोई कार्रवाई नहीं, पहल नहीं की गई है। वकील आनंद याकिक के माध्यम से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि इस तरह का खुला और बेशर्म उल्लंघन न केवल अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित अधिकार के खिलाफ है, बल्कि एक सभ्य समाज की संपूर्ण संवैधानिक भावना के खिलाफ है। ये आगे कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कथित पथराव की घटना पुलिस कर्मियों द्वारा गांव की बहुसंख्यक आबादी की आहत भावनाओं को दबाने के लिए जनता को कोड़े मारने को उचित नहीं ठहराती है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि कोड़े मारने के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मी दंड प्रक्रिया संहिता से बंधे हैं और उन्हें किसी को शारीरिक रूप से मारने या डराने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें कहा गया है कि किसी भी पुलिस मैनुअल या भारतीय दंड संहिता में ऐसी कोई धारा नहीं है जो पुलिस को नागरिकों पर अंधाधुंध हमला करने की अनुमति देती हो। खेड़ा जिले में एक मस्जिद के पास कार्यक्रम आयोजित करने का विरोध करने पर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के एक समूह द्वारा सोमवार रात गरबा कार्यक्रम में किए गए हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 7 लोग घायल हो गए। वीडियो क्लिप में 3 लोगों को कार्यक्रम स्थल के पास एक पुलिस वैन से बाहर लाए जा रहे उंधेला गांव में गरबा कार्यक्रम में प्रतिभागियों पर कथित रूप से पत्थर फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिर उन्हें एक बिजली के खंभे की ओर ले जाया गया और एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ लिया, जिन्होंने उनका हाथ खींच लिया। एक अन्य पुलिसकर्मी उन्हें कमर के नीचे डंडों से मारते नजर आ रहे हैं।
तस्वीरों में दिख रहा है कि कथित हमलावर पुलिस वालों के ऐसा करने के लिए कहने के बाद हाथ जोड़कर मौके पर जमा लोगों से माफी मांग रहे हैं। मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। गांव के सरपंच ने एक मंदिर में गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के एक समूह ने कथित तौर पर इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कहा कि भीड़ ने पथराव किया और ग्राम रक्षक दल के एक जवान और एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 7 लोग घायल हो गए थे। FIR में कहा गया है कि महिलाओं समेत 150 लोगों की भीड़ ने गरबा कर रहे समूह पर पत्थरों से हमला कर दिया। 43 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा करने, गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने और स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिस पर तमाम गोदी मीडिया के एंकर बिलबिलाते हुए नजर आए। तो वहीं अमन चोपड़ा ने इस कार्रवाई को डांडिया करार दिया, जिसके बाद अमन चोपड़ा तमाम पत्रकार बंधुओं की रडार पर आ गया, जिसमें कोड़े मारने और गुजरात पुलिस के इस कार्रवाई को डांडिया का नया रूप बताते हुए पुलिस का एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में गुजरात पुलिस अधिकारियों के एक समूह को कुछ मुस्लिम पुरुषों के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट करते साफ तौर पर देखा गया, जिन पर पिछले हफ्ते नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा कार्यक्रम में कथित तौर पर पथराव करने का आरोप लगाया गया। पुरुषों को एक पोल से बांधकर मारा पीटा गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और वीडियो को शेयर किया गया, जहां पर जयकारा सुनी जा सकती है। वीडियो में पुलिस को कथित आरोपी से लगातार माफी मांगने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है। करीब 6 मिनट के वीडियो में अमन चोपड़ा एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से दोहराता हुआ दिखता है। वीडियो की शुरुआत में वे खुशी खुशी अपने क्रू मेंबर्स को अच्छे फरिश्ते और ऑडियो के साथ वीडियो दिखाने के लिए कहता है। कई प्रख्यात पत्रकारों ने समाचार की असंवेदनशील प्रस्तुति के लिए चोपड़ा की आलोचना की है। पत्रकार और तथ्य जांचकर्ता, जो इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के लिए पसंदीदा में से एक हैं, मोहम्मद जुबेर, उन्होंने लिखा कि इस घटना के बारे में ट्वीट किया गया है और ट्विटर इंडिया से वीडियो को नीचे लाने के लिए कहा गया है। पत्रकार और लेखिका स्वाति चतुर्वेदी ने चोपड़ा को बिगेट ऑन एयर कहा है। उन्होंने आगे रिलायंस समूह को फोन किया, जो नेटवर्क 18 में काम करता है, और उनसे इस तरह के कचरे को समाचार के रूप में सही ठहराने के लिए कहता है। एक अन्य प्रमुख पत्रकार अलीशान जाफरी ने इस घटना को गैरकानूनी बताते हुए ट्वीट किया। इंडियन एक्सप्रेस, दी वायर, कारवा मैगजीन, आर्टिकल 14, लाइव आदि की बाईलाइन वाली पत्रकार समृद्धि के कुनिया ने चोपड़ा को ना तो पत्रकार और ना ही समझदार व्यक्ति होने के लिए बुलाया। दी हिंदू के राष्ट्रीय संपादक और राजनयिक मामलों के संपादक सुहासिनी हैदर ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत को और पुलिस की पिटाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए बुलाया। न्यूज मिनट की प्रधान संपादक धन्य राजेंद्रन ने वीडियो को जहर बताया। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि ट्विटरेट ने भी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में चोपड़ा की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है, जो कि साफ तौर पर माहौल बिगाड़ने का काम करता हुआ अमन चोपड़ा नजर आया है। और अब अमन चोपड़ा से सीधा सवाल, क्या अब जो कार्रवाई की जा रही है और जो पुलिस वालों को और गुजरात सरकार को, जहां उनके माई बाप बैठे हैं, जिनके आका के इशारे पर वो तमाम मुसलमानों को बदनाम करने वाली खबरें चलाते हैं, क्या अब ये बताएंगे कि उन्हीं आकाओं को कानूनी नोटिस जारी किया गया है और उन्हीं पुलिस वालों को कानूनी नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने मुस्लिमों को इस तरीके से पीटने में इतनी दिलचस्पी दिखाई और लोगों से माफी मंगवाने में इतनी दिलचस्पी दिखाई, बिना सबूत को सामने लाए हुए कोर्ट में कानून को हाथ में लेने का जो काम किया गया है। अब
अमन चोपड़ा भी रडार पर हैं, गुजरात पुलिस और सरकार भी इस हरकत की वजह से रडार पर आ गई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।